जी नाज़रीन, ये लहराता हुआ झंडा जो कि आज फ्लैग होस्टिंग हुई है और यही पाकिस्तान की निशानी है। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। जी नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद अगेन अपने कौंसल जनरल साहब हर दिल अजीज, जो कि माशाल्लाह कायदे आज़म के जो ड्रेस है, जो कि हमारा कौमी ड्रेस है, उसमें आज हैं। और अगेन मैं आपको कहूँगा कि आप कुछ कहिए ज़रूर आज के दिन के बारे में। मैं बस ये कहूँगा कि जी द पाकिस्तानी कम्युनिटी इन वेस्टर्न कनाडा, बी पार्ट ऑफ कनाडा एंड लुक आफ्टर पाकिस्तान, वी आर हेयर फॉर यू व्हेनेवर यू नीड अस। थैंक यू, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, शुक्रिया। जी नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, आज यहाँ पे हम आपके साथ पाकिस्तान के कौंसल जनरल उनके घर पे आज फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई, जो कि यम पाकिस्तान 23 मार्च 1940 की याद में हुई, जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ और पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क ओनली 7 साल के बाद एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आया। तो पाकिस्तान में जो जिस तरह से लोगों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो भी कामयाबियां हासिल की, उसकी मिसाल दुनिया भर में आपकी नज़रों के सामने है। बिल्कुल नॉन वायलेंस एक मूवमेंट थी, और जो कि वोट के ज़रिए पाकिस्तान को हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने हासिल किया, और कायदे आज़म और उनके साथियों की जो काविशें थी वो काबिले सताइश हैं। हम ज़िंदगी भर, हम अपनी आने वाली नस्लें भी ये एहसान नहीं चौंका सकती, क्योंकि कायदे आज़म ने जिस तरह से पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनाया, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तानियों के ये एक अलग मुमलिकत लेकर दी, ओनली 7 साल के अंदर, 7 साल में एक जद्दोजहद जो है, लेकिन कहने को तो बहुत ज़्यादा अर्सा है। 1857 की जंग आज़ादी भी उसी का हिस्सा थी, जो कि पाया तकमील हुई 1947 को, लेकिन 1940 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ, मुसलमानान हिंद ने लाहौर में मिंटो पार्क में एक रेजोल्यूशन पास किया, और उस रेजोल्यूशन से का रिज़ल्ट जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक मार्दे वजूद में आया। एंड व्हाट यू वांट टू से अरिबा, सी यू आर अंडर द ग्रीन फ्लैग एंड हियर इन नॉर्थ वैंकूवर एट द रेजिडेंस ऑफ कौंसल जनरल, यू टेल मी व्हाट हाउ योर फीलिंग्स आर टुडे। My feelings are really good, like bahut acha lag raha hai, because Pakistan, I'm a true Pakistani type, right? oh my goodness, wo wali mohabbat hai mujhme, to is wajah se mujhe bahut acha lag raha hai ki matlab main yahan pe hu aur yahan pe baith ke Pakistan ka kar rahi hu, so ye mere liye proud moment hai. Ye proud moment hogi. Aapne jab mera wala gana suna wo bataya, wo kaisa laga? Really good. I like that song. You like that? The wording, you like that? Lag raha hai maine kisi ka party ka manshoor bayan kar diya usme. असल में हम हर एक के दिल की यही बात है कि हम दिल अपना पाकिस्तान करें। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी नाज़रीन, यहाँ पाकिस्तान पे पाकिस्तान के कौंसल जनरल साहब आ चुके हैं यहाँ पे, और अभी तकरीब का आगाज़ हुआ चाहता है। शुक्रिया जी, बिल्कुल आइए। वैंकूवर से बराह रास्त नाज़रीन, नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, वैंकूवर का, नॉर्थ वैंकूवर का एक शानदार नज़ारा जो कि आप देख रहे हैं, और बहुत अच्छा व्यू, बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ से हम पाकिस्तान, यम पाकिस्तान की सेलिब्रेशन कर रहे हैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर से, और आप ये देखें कि नॉर्थ वैंकूवर का एक अजीम शान नज़ारा यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, और हम यहीं से आपको लाइव वो दिखाएंगे फेसबुक पे भी। तो आप ये वीडियो फुटेज जो है ये यहाँ से भी देखेंगे हमारे दिल अपना पाकिस्तान के शो में। Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Nazreen Dil Apna Pakistan ke saath Intikhab Ahmed, mere saath Ariba hain, aaj jo ke
23 मार्च 1940 में जो पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें आज उसकी तकरीबात को ये कंडक्ट करेंगी। अरिबा, आप क्या कहना चाहेंगी? व्हाट यू वांट टू से अबाउट टुडेज इवेंट? टुडेज का इवेंट जो है, दिस इज रियली स्पेशल फॉर मी बिकॉज़ मैं फर्स्ट टाइम हूँ कनाडा में कर रही हूँ एंड पाकिस्तान से बाहर निकल कनाडा में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपनी कंट्री के डेज पे कर रही हूँ, सो आई थिंक सो दिस इज रियली स्पेशल फॉर मी। हाँ, तो आपको ब्यूटी कैसी लग रही है वैंकूवर की? यहाँ पे अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बट एट द एंड पाकिस्तान अपना पाकिस्तान। हाँ, दिल अपना पाकिस्तान, बिल्कुल दिल अपना पाकिस्तान, बिल्कुल इसी तरह। तो अरिबा, नाइस टू मीट यू एंड विल कंटिन्यू हियर। थैंक यू, थैंक यू। نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Ladies and gentlemen, assalamu alaikum and good morning. We are welcome to the flag hoisting ceremony on this happy occasion of 23rd March 2021, Pakistan Day. My name is Ariba Rauf and today I will be the master of ceremony. Before the formal opening of the ceremony, I would like to invite Mr. Abdul Malik Shah to recite a few verses from the Holy Quran. Thank you. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم جزاک اللہ Thank you, Mr. Shah. Mr. Council General, ladies and gentlemen, it's a great honor for me to welcome you all here to commemorate the 81st anniversary of the Lahore Resolution, moved by A.K. Fazlul Haq on this day and accepted by all the All India Muslim League Committee the next day. On this day in 1940, Qaid-e Azam Muhammad Ali Jinnah asserted that the Muslims in India were a nation by any definition. In his historical address, he laid the foundation of a separate state for the Muslims of India on 23rd March 1940, which came into being on 14th August 1947, the Independence Day. I would now request Council General Mr. John West Khan to come forward, hoist the national flag, and read the message from the President, the Prime Minister, and express his own views on this occasion. Thank you so much. जी नाज़रीन, अब हम शाह साहब की तलावत सुनने के बाद, अरिबा ने बहुत अच्छी अभी शुरू की है, या अब हम जा रहे हैं नीचे फ्लैग होस्टिंग के लिए। और फ्लैग होस्टिंग जो है वो 23 मार्च की यहाँ पे हुआ चाहती है। कौंसल जनरल साहब, उनकी टीम। जी नाज़रीन, आप ये देखें, इस ग्रीन कौमी झंडे के लिए जो मुसलमानान हिंद ने पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां उनकी याद में एक ये तकरीब जो कि यौम पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मकसद ये याद दहानी कराना है कि मुसलमानों ने अपने आज़ाद वतन के लिए किस तरह से कुर्बानियां दी, और हमें वो कुर्बानियां और आज़ादी को बरकरार रखने के लिए बहुत काम करना है। हमारी यंग जनरेशन को बहुत काम करना है, और हम चाहते हैं कि वो भी दुनिया की कौमों के साथ शाना बशाना शामिल हों इसमें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मकसद था पाकिस्तान को पाकिस्तान का हासिल करना, और बरसगीर बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जो झंडा है ये लहराया जा चुका है। कौंसल जनरल साहब अपनी जा रहे हैं, अब उधर तकरीर करेंगे। अब तो आइए हम तकरीर सुनते हैं उनकी। जी माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये वैंकूवर के नज़ारे देखें। ये मैं कोई तकरीबन वैंकूवर से कुछ 40 किलोमीटर दूर
हाँ तकरीबन 30 किलोमीटर दूर तो हूँ जो ये आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त। वैंकूवर से आप सबको नेशनल डे की तहे दिल से मुबारक। मैं अब सदर ममलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का खिताब पढ़ के सुनाऊंगा। On this Pakistan Day, we pay homage to the founding fathers of Pakistan, whose services and sacrifices led to the creation of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. Today, we reaffirm our resolve to make Pakistan an economically stronger and prosperous country. On this historic day, we vow to continue our struggle to make our society humane, inclusive and tolerant to other minorities residing in Pakistan. We also pledge to uphold democratic values, rule of law and the Islamic way of life in our country as envisioned by our founding fathers. On this day, we must also remember our Kashmiri brethren who have been subjugated for over 7 decades by the Indian security forces. They have been subjected to the worst form of repression and state-sponsored terrorism. We pledge our commitment to continue to support Kashmiris in their just struggle for their right to self-determination. The world must take notice of blatant human rights violations being committed by India in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The key to durable peace in South Asia is resolution of the Jammu and Kashmir dispute. In accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions. Today we also salute our heroes, particularly the health workers and other concerned agencies who played a great role in containing COVID-19 and providing health care to the people in the hour of need. We laud our health professionals for their untiring efforts who selflessly served the nation during the crisis. I urge my fellow countrymen to follow all SOPs concerning COVID-19 so as to overcome the third wave of the pandemic. I am sure that with unity, faith and discipline, we can overcome any challenge that comes our way. May Allah be with us all. Pakistan, Paindabad. I unquote. I would now give the message from the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan. Quote, 23rd March 1940 was a momentous occasion when the Muslims of the subcontinent decided to establish a separate homeland to free themselves from the shackles of oppression and the slavery of the Hindutva mindset. Today we pay tribute to the father of the nation and all the leaders of the independence movement who united Muslims of the British India and struggled for creation of a free and independent Muslim state. The struggle culminated in the emergence of Pakistan on the map of the world on 14th August 1947. While commemorating this day, we need to adhere to the principle of unity, faith and discipline given by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Our vision is to transform Pakistan into a truly democratic welfare state on the model of Riyasat-e-Madina. Our great nation has successfully overcome challenges of immense magnitude in past through unity and resilience. Today we need to remain strong to face the pandemic and that has engulfed the entire world. Inshallah, we will succeed in these testing times. On this day, we also express solidarity with the innocent people of Indian occupied Jammu and Kashmir, who have been subjected to worst form of state oppression by Indian security forces. We salute their courage and will continue to support them morally, politically and diplomatically for realization of their right to self-determination under relevant UNSC resolutions. Today, let us renew our commitment to make Pakistan a humane, progressive and prosperous state akin to Riyasat-e-Madina, based on rule of law, meritocracy, egalitarianism and compassion. May Allah Almighty grant us strength to remain steadfast during all testing times.
Pakistan, Paindabad. I quote, unquote. I would like to take this opportunity to give a brief comment or two as far as the Council General of Pakistan and Western Canada is concerned. I would like to thank you all for being a wonderful ambassadors of Pakistan and for protecting and safeguarding its interest in Canada. To all the Pakistani community who reside in Western Canada, I thank you for doing this very critical and important role. Your love and attachment for your country of origin is nothing short of exemplary. Let us make a resolve today that while being a law-abiding and loyal citizens of Canada, you will continue to care for Pakistan and work for its better image and its promotion in your respective area. I thank you very much. Pakistan, Paindabad. Thank you. Thank you very much. जी नाज़रीन माशाल्लाह ये सेरेमनी का अख्तिताम हो जा रहा है और दिया हम अब नाज़रीन हम एक कौमी नगमा भी आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में जो कि मैंने ही लिखा है. I would like to thank all of you here in attendance and a special thank you to all those who have joined us virtually due to the government's mandatory protocol and restrictions. We do hope that shortly we will meet and greet each other after the pandemic. Have a good day. Aloha, peace. गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है. गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है. ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है. अदल मदीना हो, इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है. गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है. ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है. ये अहद हमारा है, कुछ करके दिखाना है. तालीम की दौलत को घर घर फैलाना है. मनफी सियासत को हवा से भगाना है. मुल्की लुटेरों को अब सबक सिखाना है. अदल मदीना हो, इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है. गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है. ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है. तामीर वतन अपनी तरजीह हमारी है. अब राह तरक्की पे नजरें हमारी है. घर से जो हम निकले ये अजमल ये सारे औलाद के मानद है, शीशे से भी भारी है. दिल अपना पाकिस्तान, ये जान हमारी है. ये शान हमारी है, ये आन हमारी है. गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है. ये माँ हमारी है, हमें जान से प्यारी है. अदल मदीना हो, इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है. गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है. ये माँ हमारी है, हमें जान से प्यारी है. ये माँ हमारी है, हमें जान से प्यारी है. ये माँ हमारी है,
हमेशा से प्यारी है। तक ये लाइव प्रोग्राम दी है और इंशाल्लाह 14 अगस्त का जब अल्लाह करे कोविड-19 ख़त्म हो तो फिर एक बड़ी तकरीब इंशाल्लाह यह मुनक्कद होगी और फिर आप लोगों को भी इंशाल्लाह फर्दन फर्दन इनवाइट किया जाएगा और आप इस तकरीब में इंशाल्लाह आप भी पार्ट होंगे और आप लोगों के लिए खुली कचहरी का जो है हर महीने कौंसल जनरल साहब और हाई कमिश्नर साहब ये काम करते हैं और आप लोगों को ईमेल भेजते हैं तो आप भी पार्टिसिपेट करें और अपनी जो भी शिकायत है कौंसल जनरल साहब को बताएं। अभी एक सेकंड ये गाने का हो जाए फिर झंडे के साथ कर लेते ठीक है एक मिनट लगेगा ठीक है एक मिनट अभी हम पावर ऑन पेयरिंग अच्छा गाना शुरू हो रहा है एक नगमा है जी और ये इंतखाब अहमद साहब की पेशकश है ये धरती हमारी है दिल इस गवादर तक ये धरती हमारी है ये आओ हमारी है ये जा हमारी है अदल मदीना हो इंसाफ पसीना हो। What you want to say, Ariba? See, you are under the green flag and here in North Vancouver at the residence of Consul General. You tell me, how your feelings are today? My feelings are really good. Like, bahut acha lag raha hai because Pakistan, I'm a true Pakistani type. Oh my goodness. Wo wali mohabbat hai. Mujhe to is wajah se mujhe bahut acha lag raha hai ki matlab main yahan pe hu aur yahan pe baith ke Pakistan ka kar rahi hu. ये प्राउड मोमेंट होगी। आपने जब मेरा वाला गाना सुना वो बताया वो कैसा लगा? यू लाइक दैट द वर्डिंग? यू लाइक दैट? लग रहा है मैंने किसी पार्टी का मंशूर बयान कर दिया उसमें। असल में हम हर एक के दिल की यही बात है कि हम दिल अपना पाकिस्तान करें। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, हम आपको फ्लैग होस्टिंग की जो सेरेमनी हमने लाइव भी दिखाई आपको, अब हम यहाँ पे खड़े हैं और वैंकूवर का शानदार नज़ारा और चलो जी नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, आज यहाँ पे हम आपके साथ पाकिस्तान के कौंसल जनरल उनके घर पे आज फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई जो कि यौम पाकिस्तान 23 मार्च 1940 की याद में हुई, जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ और पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क ओनली 7 साल के बाद एक आज़ाद मुल्क के तौर पे दुनिया के नक्शे पर आया। तो पाकिस्तान में जो जिस तरह से लोगों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो भी कामयाबियां हासिल की उसकी मिसाल दुनिया भर में आपकी नज़रों के सामने है। बिल्कुल नॉन वायलेंस एक मूवमेंट थी और जो कि वोट के ज़रिए पाकिस्तान को हमने हमारे बुज़ुर्गों ने हासिल किया और कायदे आज़म और उनके साथियों की जो काविशें थी वो काबिल सताइश है। हम ज़िंदगी भर हम अपनी आने वाली नस्लें भी ये एहसान नहीं चौंका सकती क्योंकि कायदे आज़म ने जिस तरह से पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनाया, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तानियों के ये एक अलग मुमलिकत लेकर दी ओनली 7 साल के अंदर। 7 साल में एक जद्दोजहद जो है, लेकिन कहने को तो बहुत ज़्यादा अर्सा है। 1857 की जंग आज़ादी भी उसी का हिस्सा थी जो कि पाया तकमील हुई 1947 को, लेकिन 1940 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ मुसलमानों ने हिंद ने लाहौर में मिंटो पार्क में एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन से का रिज़ल्ट जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक मर्द वजूद में आया। पाकिस्तान
मेजॉरिटी कंसर्न था उनसे। पाकिस्तान आबाद रहे, ओ मेरा पाकिस्तान आबाद रहे। मैं रहूं या ना रहूं तू शाद रहे, मेरा पाकिस्तान आबाद रहे, ओ मेरा पाकिस्तान आबाद रहे। दिल अपना पाकिस्तान। वैंकूवर की जान, कराची की शान, दिल अपना पाकिस्तान, दिल अपना पाकिस्तान।